हाँ तो सभी बच्चों को नमस्कार। मैं संदीप अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, भोड़ियाखेड़ा। ठीक है, तो मैं आज बात करूँगा बीए फर्स्ट ईयर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया, कॉलेज में अभी तक आप विजिट नहीं कर पाए हो, ठीक है। और कॉलेज जैसा ही स्टार्ट होंगे आपको सूचना मिलेगी। अभी तक स्टार्ट नहीं, जब तक स्टार्ट नहीं होते हैं तब तक हम ऑनलाइन ही बातें करेंगे, ओके। तो जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट जिन्होंने चूज़ किया है बीए फर्स्ट में, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ। तो आपने ध्यान रखना है कि मैं आपको आपकी इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर करवाऊँगा, ठीक है। जो भी बीए फर्स्ट ईयर में जो आपका इकोनॉमिक्स का जितना भी मटेरियल होगा फर्स्ट सेमेस्टर्स का, तो वो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी CDLU यूनिवर्सिटी का सिलेबस है आपका इकोनॉमिक्स का, वो आपको आपकी बुक में ही मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि आपको बुक कौन सी लेनी है। तो मैं आपको बता दूं, बुक आपको ये लेनी है, VK पब्लिकेशंस की माइक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान से देख लीजिए, VK पब्लिकेशंस की है, व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये है TR जैन, ML ग्रोवर की। TR जैन, ML ग्रोवर इसके राइटर्स हैं। VK पब्लिकेशंस की है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो बुक है आपने परचेज करनी है, ये बुक आपका पूरा सिलेबस जो CDLU यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर का उसको कवर करती है। और इसी में से ही मैं आपको आपके सिलेबस को कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो आप ये सारे बच्चे आज ही मार्केट में जाकर, मार्केट में ये बुक आ गई है, मार्केट में जाकर फर्स्ट सेमेस्टर्स की, बीए फर्स्ट सेमेस्टर्स की इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, VK पब्लिकेशंस की बुक जाकर परचेज कर लें। जितना भी सिलेबस होगा वो हम इसी बुक से कवर करेंगे, ओके। ये तो थी बुक की बात, ठीक है। जब तक कॉलेज नहीं लगते हैं हम ऑनलाइन ही हमारे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, ओके। और उसके बाद अब बात ये आती है कि आपका जो इकोनॉमिक्स है, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के पास +1 और +2 में इकोनॉमिक्स होगी, या उन्होंने पढ़ी होगी +1 और +2 में इकोनॉमिक्स। जिसने नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो बहुत इजी सब्जेक्ट रहेगा उनके लिए। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, अदर सब्जेक्ट की तरह इकोनॉमिक्स नहीं है। हमारा जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ये जो हम प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें, उन सभी को ही हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी इकोनॉमिक्स को सीख सकता है, जो इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ने वाला है वो भी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी बातें जो यूज़ कर रहा है उन्हीं को ही हम यहाँ इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स को पढ़कर जो विद्यार्थी नहीं भी है वो भी एक अच्छा कंज्यूमर, अच्छा प्रोड्यूसर बन सकता है, यानी पूरे सिस्टम को मैनेज करना सीख सकता है इकोनॉमिक्स को पढ़कर। तो आप, बात क्लियर हुई कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, तो आप एक इकोनॉमिक्स को तो जानो ही जानोगे, अपने सिलेबस को तो कवर करो ही करोगे, साथ के साथ जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं उनको भी अच्छे ढंग से मैनेज करना भी सीख जाओगे। तो ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट आपके लिए रहेगा जो आपको आपकी स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी परफेक्ट बनाएगा, क्लियर है। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट, क्योंकि अदर सब्जेक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है, बट हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं उन्हीं की स्टडी इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। अब बात ये आती है, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स को, कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स वर्ड उसकी बात करेंगे, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हिंदी में इसको हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र हिंदी में बोलेंगे, इकोनॉमिक्स, ओके। ये जो वर्ड है, क्योंकि जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उस वर्ड का मीनिंग तो हमें पता होना चाहिए ना। तो इकोनॉमिक्स जो है ये हमारे दो वर्ड से मिलके बना है, जो आपने ध्यान रखना है, ओइकोस प्लस नेमिन, नेमिन, इन दोनों वर्ड से मिलके बना है हमारा इकोनॉमिक्स। अब बात ये आती है कि दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है, तो ध्यान से दीजिएगा।
ओइकोस, ओइकोस का मतलब है क्या? हाउस होल्ड। क्या मतलब है? हाउस होल्ड यानी घरेलू, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? घरेलू, या हम इसको ग्रह भी बोल सकते हैं। और नेमिंस का मतलब क्या होगा? मैनेजमेंट। नेमिंस मीन्स क्या होगा? मैनेजमेंट, यानी इसको हम हिंदी में बोलेंगे क्या? प्रबंध। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? घरेलू प्रबंध, ग्रह प्रबंध, हाउस होल्ड मैनेजमेंट यानी ग्रह का प्रबंध करना, घरेलू प्रबंध करना क्या है? इकोनॉमिक्स है। बात समझ में आई? यानी ग्रह का प्रबंध करना, घरेलू प्रबंध करना ही क्या है? यानी घरेलू प्रबंध करने से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जितने भी कार्य करने पड़ेंगे हमें, वो सारे के सारे हम इकोनॉमिक्स में काउंट करेंगे। क्लियर? अब छोटा सा एग्जांपल अगर हम लेकर समझें, जैसे आप बच्चों को पता है कि आपके घर में, आपके घर को मैनेज कौन करता है? घर को मैनेज कौन करता है? सिंपल सा, आपकी मदर जो है वो आपके घर को मैनेज करने का काम करते हैं। वैसे तो पापा है, पापा इनकम कमा के लेके आते हैं और वो आपकी मदर को देते हैं। आपकी मदर को आपके पापा ने दे दिए 10,000 कि 10,000 रुपये पर मंथ आपके जो फादर हैं वो आपकी मदर को देते हैं, ठीक है? और आपकी मदर को कहते हैं कि पूरे महीने का काम इससे चलाना है। अब आपकी मदर को देखना है कि 10,000 में पूरे महीने का मैनेजमेंट कैसे होगा, पूरे महीने का प्रबंध कैसे होगा। इतना चाय पे खर्चा है, इतना खाने पे है, इतना आटे पे है, इतना रसोई गैस है, इतना बिजली का बिल है, सारी चीज़ों पर खर्चा करना है, करना है। और पूरे के पूरे सिस्टम दायरा क्या हमारा कि 10,000 है, कि पूरे खर्चों को 10,000 में क्या करना है? मैनेज करना है। क्लियर हुआ? तो वो भी क्या है? मैनेजमेंट है। वो भी किसका पार्ट है? इकोनॉमिक्स का पार्ट है कि 10,000 में पूरे महीने का खर्चा चलाना है। इन चीज़ों को भी हम कहाँ सीखते हैं? इकोनॉमिक्स में सीखते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज आप मार्केट में गए, ओके, और मार्केट में गए और आपको खरीदनी है बुक। क्या खरीदनी है? बुक। बुक आप खुद चले गए और खुद अपने साथ एक फ्रेंड को ले गए और अपने अपनी पॉकेट में डाले 200 रुपीज़। कितने डाले? 200 रुपीज़ आपने अपनी पॉकेट में डाले और साथ में अपने फ्रेंड को लिया, चलो जी हम बुक लेके आते हैं। मार्केट चले गए, मार्केट में गए, बुक शॉप पे गए, बुक शॉप वाले को आपने कहा कि मुझे बुक दो। जब उसने आपको बुक दी तो आपने पूछा, क्या पूछोगे कि इस कितने रुपए की है, इसकी वैल्यू कितनी है? वो आपको कह दे ये तो 250 की है। कितने की है? 250 यानी 250 रुपए की है। लेकिन आपकी पॉकेट में कितने थे? 200 थे। प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना? आपका दायरा था 200 रुपए का और बुक हो गई 250 रुपए की। प्रॉब्लम आई ना? उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे? या तो कहोगे अपने फ्रेंड को कि भाई मेरे पास 50 रुपये कम है, मुझे 50 रुपये तुम दे दो, मैं आपको घर जाके दे दूँ या दे दूँगी। तो मैनेज करोगे उसको, उससे 50 लेकर आप 250 रुपये बुक वाले को दोगे। अगर आपने फ्रेंड ने भी मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है, तो क्या करोगे आप? बुक वाले को कहोगे कि जी 50 रुपये मैं कल दे दूँगी, 200 रुपये आप रख लीजिए। तो मान जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे? वापस आ जाओगे, कुछ चारा ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, मैनेज करना है। 200 रुपये थे, 250 रुपये वाली बुक को कैसे परचेज करें? इस पूरी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, मैनेज करना है। तो ये भी किसके अंदर आता है? इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। यानी वही चीज़ हमारी इकोनॉमी के अंदर है, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर है। अर्थव्यवस्था में क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं, साधन जो हैं, वो लिमिटेड से हैं, सीमित हैं। जो संसाधन रिसोर्सेज है वो क्या हैं? सीमित हैं। लेकिन लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, अनलिमिटेड हैं। यानी हम कह सकते हैं जो डिजायर्स, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं और जो साधन हैं वो क्या हैं? सीमित हैं। वही बात, रुपए तो 200 हैं, बुक कितने की? 250 की। तो उसको सोल्व किया ना हमने। उसी प्रकार हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो तो सीमित मात्रा में हैं, लेकिन जो डिजायर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो हमने उन सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो वो कैसे कर पाएंगे? इकोनॉमिक्स की सहायता से। जो जो कार्य करने पड़ेंगे, जो जो एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, वो सारी की सारी हम कहाँ पर करेंगे? इकोनॉमिक्स में करेंगे। क्लियर हुआ?
उम्मीद करता हूँ आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। क्लियर? यानी इस प्रकार की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हमारी इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। क्लियर हुआ? अब उसके बाद बात आती है कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, फादर कौन है इकोनॉमिक्स के, ध्यान रखना है, एडम स्मिथ। हमारे एक इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है? हमारे इकोनॉमिक्स के फादर, पिता, जनक कौन है? एडम स्मिथ। वैसे तो इकोनॉमिक्स के जो सर्चर हैं वो कौटिल्य हैं, बट जो मेन डिफाइन करने वाले इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, वो थे एडम स्मिथ। इसीलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हम किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को ही कहते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि सबसे पहले, अब हमें पता चल गया कि फादर कौन है इकोनॉमिक्स के, एडम स्मिथ। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने वाले, इकोनॉमिक्स के बारे में बताने वाले कौन थे? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ की एंट्री हुई थी 1776 के अंदर, 1776 ईस्वी के अंदर। 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ की एक बुक आई थी, उस बुक के अंदर इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था, इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। अब बुक का नाम क्या था वो आपने ध्यान रखना है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से बुक अपनी टिप्स पे कर लीजिए, एडम स्मिथ की मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक थी किसकी? एडम स्मिथ की, 1776 ईस्वी में आई थी। इसको हम शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन भी कहते हैं, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक के अंदर एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। अब इकोनॉमिक्स को किस प्रकार डिफाइन किया एडम स्मिथ ने, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो एडम स्मिथ ने, उनकी जो परिभाषा थी, उनकी जो डेफिनेशन थी, वो रिलेटेड टू वेल्थ थी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, रिलेटेड टू वेल्थ, धन से संबंधित परिभाषा दी थी किसने? एडम स्मिथ ने। क्लियर हुआ? ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और एडम स्मिथ ही कौन था? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, ये इसकी डेफिनेशन आपको याद में रखनी है। इसकी बुक का नाम, कौन से ईयर में आया और किस से रिलेटेड इसकी परिभाषा थी। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? उसके बाद इकोनॉमिक्स को एक और इकोनॉमिस्ट ने भी डिफाइन किया, वो थे डॉक्टर मार्शल। ये हमारे न्यू क्लासिकल थे, नव परंपरावादी अर्थशास्त्र। ये परंपरावादी था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, और ये थे न्यू क्लासिकल यानी नव परंपरावादी। इनकी जो बुक आई थी 1890 के अंदर आई थी, 1890 ईस्वी में डॉक्टर मार्शल ने अपनी बुक दी थी। और इनकी बुक का नाम भी आपको याद रखना है बच्चों, बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बुक थी किसकी? डॉक्टर मार्शल की, 1890 के अंदर आई थी, 1890 के अंदर आई थी। क्लियर है? और इनकी जो डेफिनेशन थी वो आपने ध्यान रखनी है, वो थी रिलेटेड टू वेलफेयर, यानी कल्याण से संबंधित परिभाषा दी किसने? डॉक्टर मार्शल ने। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है, 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में वेलफेयर से संबंधित परिभाषा दी किसने? डॉक्टर मार्शल ने। उसके बाद एक और इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, वो कौन से थे? रॉबिन्स। इनकी बुक आई 1932 के अंदर, 1932 ईस्वी में किसकी? रॉबिन्स की बुक आई। और इनकी बुक का नाम क्या था आपने ये भी ध्यान में रखना है, बुक का नाम ध्यान रखिएगा, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science।
एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये बुक थी 1932 में आई, किसकी? रॉबिन्स की। और इसी बुक के अंदर रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। इनकी जो डेफिनेशन थी वो थी किससे रिलेटेड? स्केयरसिटी से रिलेटेड। स्केयरसिटी, स्केयरसिटी मीन्स दुर्लभता। इनकी जो परिभाषा थी वो दुर्लभता से संबंधित थी। क्लियर हुआ? रॉबिन्स की, रॉबिन्स की बुक आई 1932 के अंदर ये बुक, और इसी बुक के अंदर दुर्लभता से संबंधित परिभाषा दी किसकी? इकोनॉमिक्स की। किसने? रॉबिन्स ने। एडम स्मिथ की परिभाषा थी वेल्थ से संबंधित, धन से संबंधित। मार्शल की परिभाषा थी वेलफेयर यानी कल्याण से संबंधित, और रॉबिन्स की परिभाषा थी स्केयरसिटी यानी दुर्लभता से संबंधित। ये तीन तरह की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। एडम स्मिथ का बुक कौन सी थी, कौन से सन में आई, इसकी परिभाषा। मार्शल की बुक कौन सी थी, कौन से सन में आई, इसकी परिभाषा। रॉबिन्स की बुक कौन सी थी, कौन से सन में आई, और इसकी परिभाषा। क्लियर हुआ? ये तीन जो मेन इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने वाले, जिसको आपने ध्यान रखना है कब कब आए, इनकी बुक कौन सी थी और किससे संबंधित इसकी परिभाषा थी। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से ध्यान में रख लोगे। ओके, क्लियर हुआ? ये थी इकोनॉमिक्स की बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आपको पता चल गया होगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने की एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, उनकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कहाँ पर करते हैं? हम इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स यानी हमारी जो हम समस्याएं हैं उनकी आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अध्ययन, उनकी स्टडी इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। तो क्लियर हुआ कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है, बहुत बड़ी कंसेप्ट है, और इसके अंदर जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हीं को सॉल्व करने का काम करते हैं। क्लियर हुआ? अब उसके बाद क्या हुआ 1933 के अंदर, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1933 के अंदर 1933 में ओस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे रैग्नर फ्रिस्क। रैग्नर फ्रिस्क इन्होंने इकोनॉमिक्स को ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो हमारी इकोनॉमिक्स हैं इसको इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट कौन कौन से थे? एक था माइक्रो। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया किसने 1933 के अंदर, 1933 में किसने? रैग्नर फ्रिस्क ने। एक तो था माइक्रो और दूसरा पार्ट था मैक्रो, यानी हिंदी में माइक्रो को बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो को समष्टि अर्थशास्त्र। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इकोनॉमिक्स को किसने? रैग्नर फ्रिस्क ने 1933 के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, माइक्रो एंड मैक्रो, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो ब्रॉड कंसेप्ट बन गई थी, हमारी जो समस्याएं थी उनका ध्यान हमें करना था। तो रैग्नर फ्रिस्क ने क्या किया, इसको दो ब्रांच में डिवाइड कर दिया। माइक्रो के अंदर छोटी इकाइयों का ध्यान, और छोटी इकाइयाँ कौन सी? जो इंडिविजुअल सिंगल पर्सन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी। सिंगल पर्सन कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, एक इंडस्ट्री भी हो सकती है, एक फर्म भी हो सकती है। सिंगल जो प्रॉब्लम्स होंगी उनकी स्टडी हम कहाँ करेंगे? माइक्रो के अंदर करेंगे। क्लियर हुआ? दूसरा समष्टि यानी मैक्रो, लार्ज यानी बड़ी इकाइयाँ जो होंगी, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित, कंप्लीट इकोनॉमी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होंगी उनकी स्टडी हम कहाँ करेंगे? मैक्रो के अंदर करेंगे। संपूर्ण अर्थव्यवस्था मीन्स पूरे देश की जो समस्या है, पूरे राज्य की जो समस्या है, उनका अध्ययन हम कहाँ करेंगे? मैक्रो के अंदर। अगर सिंगल पर्सन की प्रॉब्लम है उनका अध्ययन हम कहाँ करेंगे? माइक्रो में। पूरी कॉमन प्रॉब्लम है उसका अध्ययन कहाँ करेंगे? मैक्रो में करेंगे। क्लियर हुआ? एक चीज और, माइक्रो को एक और नाम से जानते हैं हम, क्या? प्राइस थ्योरी। क्या कहते हैं? प्राइस थ्योरी यानी कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। किसको? व्यष्टि को, माइक्रो को, और समष्टि को यानी मैक्रो को भी एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी यानी आय तथा रोजगार का सिद्धांत किसको कहते हैं? समष्टि यानी मैक्रो को। कीमत सिद्धांत किसको कहते हैं? माइक्रो यानी व्यष्टि को। क्लियर हुआ? अब एक बात मैं आपको बता दूं, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा का, उसके अंदर माइक्रो का सिलेबस डाला गया है। मैक्रो की स्टडी नहीं करेंगे हम फर्स्ट सेमेस्टर में, माइक्रो। माइक्रो की जितनी भी कंसेप्ट हैं
उनकी स्टडी करेंगे हम आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में, यानी इंडिविजुअल सिंगल पर्सन की जो जो प्रॉब्लम्स होंगी उससे रिलेटेड जो जो कंसेप्ट होंगी उन कंसेप्ट को स्टडी करेंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में। ये था आपकी इकोनॉमिक्स की बेसिक इंट्रोडक्शन जिसके बारे में मैंने आपको बताया। क्लियर, उम्मीद करता हूँ छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब ये लास्ट में मैं यही कहूँगा, इस वीडियो में इतना ही। अब आप अपनी बुक परचेज कर लें, बुक मैंने आपको बता दी है, मार्केट में जाइए और वो बुक अपनी इकोनॉमिक्स की परचेज करके लेकर आइए। फिर हम हमारे सिलेबस की वीडियो, जब तक कॉलेज नहीं लगते हैं, कॉलेज लग जाएंगे, क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो हम क्लास में ही कर लेंगे, जब तक कॉलेज नहीं लगते हैं तब तक हम ऑनलाइन ही वीडियो के माध्यम से आपसे आपका जो सिलेबस करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। ताकि अब आपको क्या करना है, ये वीडियो आपने देख ली, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो भी इसको देखें और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपना जो सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश करें। टाइम टू टाइम वीडियो आती रहेंगी, आप उस वीडियो को देखिए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही क्लासेस लग जाएंगी आपकी सूचना आपको पहुंचा दी जाएगी, फिर आप कॉलेज में आकर क्लासेस लगा सकते हैं। जब तक कोई सूचना नहीं है कॉलेज लगने की, तब तक हम वीडियो के माध्यम से ही सिलेबस को कवर करेंगे। थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा। एक बात और, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि कोई नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।